हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। आप लोग फेसबुक तो यूज़ करते होंगे और आप लोगों को पता है फेसबुक का हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यू अपडेट आता रहता है। मीटा इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप लोग फेसबुक का अकाउंट बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब जो काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, काफ़ी लोगों को इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा कि भाई फेसबुक को कैसे डिलीट करें, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा आप लोग आसानी से कैसे अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो परमानेंट। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, बहुत ही आसानी से आप लोग अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो परमानेंट फेसबुक का। अब ये कैसे करना है और आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक का अकाउंट कैसे डिलीट करें परमानेंट, क्योंकि अब फेसबुक ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। पहले आप बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब जो है डिलीट अकाउंट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। अभी ऑप्शन कहाँ पर शो होगा और कैसे आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो हम आ जाते हैं अपनी फेसबुक के अंदर। तो मैं यहाँ से अपनी फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है अपनी सेटिंग में। अपनी सेटिंग में आने के बाद अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो आपके फेसबुक से पेजेस बने हुए हैं वो भी आपके सारे डिलीट हो जाएंगे। जितना भी बायो डाटा है आपका A to Z सारा डिलीट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, जिस फेसबुक के अंदर आपका पेज हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको अकाउंट को डिलीट मत करना। अदरवाइज़ कोई और अकाउंट हो तो उसे डिलीट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको अपने फेसबुक का पेज का भी अकाउंट डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब पहले क्या होता था, पहले एक ऑप्शन आता था एसेस एंड कंट्रोल, लेकिन अब वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कहीं भी शो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अकाउंट सेंटर का, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें लिखा है पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, एड परफॉर्मेंस, पेमेंट्स। अब आपको टैप करना है सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर। आप इस पर टैप करोगे, इस पर टैप करने के बाद ये रिफ्रेश हो रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है अकाउंट्स, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यूर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस, एड परफॉर्मेंस, पेमेंट्स। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है पर्सनल डिटेल्स पे। आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको फिर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आप इस पर टैप करोगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है मेमोरियलाइजेशन और दूसरा डीएक्टिवेशन ऑफ डिलीशंस। आपको क्या करना है, टेम्परेली डीएक्टिवेट और परमानेंट डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। नीचे वाले पर टैप करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, एक आ रहा है इंस्टाग्राम का, एक आ रहा है फेसबुक का। तो आपको फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है तो आपको फेसबुक पर टैप करना है। फेसबुक पर टैप करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने फिर ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा रहा है डिलीट अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट्स इन परमानेंट। तो आपको नीचे वाले पर टैप करना है। नीचे वाले पर टैप करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने पेजेस बना रखे हैं इसी अकाउंट से, आप लोग देख सकते हो। XYZ, फिल्म हिंदुस्तान, अनुष टैग, टेक्निकल टाइगर। अब मैं ऐसे करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या रीज़न है, आप क्यों उसे डिलीट करना चाहते हो। तो आप जो है कोई भी एक रीज़न डाल देना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैं अकाउंट हैक कर लिया इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, या कोई भी रीज़न डाल दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई स्पेंड टू मच टू टाइम ऑन फेसबुक। यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लिखा टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक, आप यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है परमानेंट डिलीट अकाउंट, यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, गो टू एक्टिविटी लोगो, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, आपको करना है डीएक्टिवेट अकाउंट। कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अपने आप यहाँ पे पासवर्ड टैप कर देना। पासवर्ड टैप करोगे वैसे ही आपका जो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल लोगे तो मेरे को अभी डिलीट नहीं करना है, बस मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगी अब फेसबुक का अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतनी, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा।